हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उसको आप हाइड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हमको ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र। आप क्रोम या यूसी ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो यूट्यूब की चैनल होती है जिसका आप सब्सक्राइबर हाइड करने वाले हो, वो चैनल यहाँ पे आपको ओपन करनी है। तो मैं यहाँ पे मेरी चैनल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने चैनल ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ से चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे वीडियो मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। वीडियो मैनेजर का ऑप्शन देखने के बाद यहाँ पर वीडियो मैनेजर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वीडियो मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर पेज ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको नीचे लेफ़्ट साइड में पेज को स्क्रॉल करना है। लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेटिंग का ऑप्शन, ये आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन। तो मैं सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका ऐसा पेज ओपन होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो दिखाई देता है चैनल का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा साइड में स्क्रॉल करूँगा। मैं साइड में स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडवांस सेटिंग आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से कुछ ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा ऑडियंस, और उसको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। तो मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। और यहाँ से आपके, जैसे ही आप इतना स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सब्सक्राइबर काउंट। ये जो है सब्सक्राइबर काउंट, ये आपका सब्सक्राइबर को डिस्प्ले के अंदर हाइड और अनहाइड करने का ऑप्शन है। तो इसको मैं यहाँ से टिक मार्क मेरा लगा है, तो मैं यहाँ से टिक मार्क हटा देता हूँ। टिक मार्क अगर लगा होगा तो आपका सब्सक्राइबर का जो काउंट है वो आपकी चैनल के अंदर सब लोगों को दिखाई देगा। और टिक मार्क हटा देंगे तो आपका काउंट कोई देख नहीं सकेगा। तो मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। और हटाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे सेव का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, ये सेव कर लेना है यहाँ से सेटिंग को। और सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेव हो जाएगा उस ऑटोमेटिकली। फिर मैं यहाँ से एग्ज़िट हो जाता हूँ। फिर आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आप अगर किसी के दूसरे के मोबाइल में या आपकी दूसरी कोई चैनल है तो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं यहाँ से मेरी ये जो दूसरी वाली चैनल है, मैं यहाँ से उसमें ही देख लेता हूँ कि काउंट दिख रहा है या नहीं। मैं यहाँ से मेरी चैनल को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने चैनल ओपन कर ली है। यहाँ पे आपको कोई सब्सक्राइबर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हो।